गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार और राजस्थान हाईकोर्ट के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और प्रश्न सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्त। पहले प्रश्न, पहला प्रश्न ये आपके सामने है, किस चित्रकार को नीड का चितेरा कहा जाता है? सौभाग्यमल गहलोत को, सागरमल गहलोत को, अशोक गहलोत को या सुंदर गहलोत को? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्यमल गहलोत को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर दो, किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग के नाम से जाना जाता है? किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, किसे? कृष्ण कनाई को, कुंदन लाल मिस्त्री को, देवकी नंदन शर्मा को, सुरजीत कौर को? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरजीत कौर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर तीन, यदि यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं तो मोलेला, मोलेला दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, मोलेला, मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की मूर्तियों के लिए, संगमरमर की मूर्तियों के लिए, या चांदी की मूर्तियों के लिए, या मिट्टी की मूर्तियों के लिए? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी की मूर्तियों के लिए। यह मोलेला गांव राजसंबंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मोलेला गांव? राजसंबंध में, मोलेला गांव राजसंबंध में स्थित है और ये मिट्टियों के लिए प्रसिद्ध हैं, टेराकोटा मिट्टियों के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर चार, जयपुर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक नृत्य, गौरी नृत्य, गेर नृत्य या कालबेलिया नृत्य? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य। इसका वर्तमान घराना कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ को वर्तमान घराना माना जाता है। इस नृत्य का उद्गम जयपुर से हुआ था, ठीक है, और वर्तमान घराना कहाँ पे? लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर पाँच, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य में किस क्षेत्र का है? अलवर का, भरतपुर का, या दोनों का, या कोटा का? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का ही है, अलवर और भरतपुर दोनों में बम नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर छः, जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाता है? झारोबा या जोराव, जारोवा या जोराव, जोराव भी कहा जाता है जारोवा का, हम सीढ़ो, सुवटिया या पीपली? तो दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? जोरावा। पति अगर जैसलमेर जिले में अगर पति विदेश चल जाता है तो उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत जोरावा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर सात, यदि उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिस स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं उसे कहा जाता है सुवटिया, हमसीड़ो, सुपाना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, हमसीड़ो, जिसमें स्त्री एवं पुरुष
दोनों साथ मिलकर गाते हैं उसे हम छिड़ो गीत कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर कहा चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी राजस्थान। जो रसिया, इस क्षेत्र में रसिया गीत गाया जाता है। कौन सा? रसिया। और ये गीत कब गाया जाता है? नई फसल लाने की उपज में गाया जाने वाला गीत। कौन सा है? रसिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, करौली क्षेत्र की कुलदेवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लंगूरिया, जोगनिया, एवे भी दोनों या हिंडौनी। तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, लंगूरिया या जोगनिया। अगर ऑप्शन में जोगनिया नहीं होता है तो लंगूरिया गीत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तमाशा नाट्य शैली के, रस्मत या नौटंकी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, तमाशा नाट्य शैली का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, चरी नृत्य किस जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, कथोड़ी या गुर्जर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। दोस्तों एक सिर पर मटका रखा जाता है जिसके छिद्र किए जाते हैं और उनमें दीपक रखा जाता है, इस प्रकार का होता है, सिर पर रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश उपकृत पर्यटन वाक्य किस मांड गायिका द्वारा गाया गया था? मांगी बाई, गौरी बाई या उल्लाह जिला भाई या गुलाबो बाई। तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, मांगी बाई। मांड गायिका मांगी बाई द्वारा गाए जाने वाला गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? भवाई, नट, घेर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन चलते हैं ऑप्शन की ओर, नट समाज की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा मोर नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत की प्रथम चित्रकार कौन थी? सुरजीत कौर गोयल, देवकी नंदन शर्मा, कुंदन लाल मिस्त्री या फ्रेस्को ब्रूनो। तो दोस्तों इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए, सुरजीत कौर गोयल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, करणा बिल किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? नड, करणा, संतारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट्स में दूंगा ताकि आप इसे सोल्व करिए और कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।